हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी बजे सुबह के 7 और मैं आज जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे आज जल्दी शॉप पे आना है। यूजुअली मैं उठता हूँ 8:30 या 8 बजे के आसपास क्योंकि मैं सोता बहुत लेट हूँ तो, लेकिन बट मैं आज जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे जाना था बुआ लोग के घर। लेकिन उससे पहले मुझे खोलनी है शॉप, तो मैं चलता हूँ और सबसे पहले पीता हूँ पानी, फिर पीऊँगा चाय और फिर फटाफट निकलूँगा शॉप के लिए क्योंकि जल्दी घर भी वापस आना है। तो चलते हैं और अपना डेली का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मेरी आइज़ बहुत पफ़ी हो रही है अभी क्योंकि कल रात को मैं सोया था 1 बजे के आसपास, एडिट करते करते लेट हो गया था, तो इसलिए मैं सोया था 1 बजे के आसपास। और देखो अभी मेरी आँखों में नींद है क्योंकि अभी मेरा उठने का टाइम नहीं हुआ है और मेरी आइज़ हो रही है पफ़ी। तो पानी पी लेते हैं और उठ जाते हैं। तो गाइस मेरी चाय आ चुकी है तो चाय पी लेते हैं। तो गैस मैं नहा के आ चुका हूँ और हो चुका हूँ रेडी और अभी चलते हैं शॉप में। 10 बजे तक खोलूँगा, उसके बाद निकलेंगे बुआ लोग के घर। तो गैस मैं पहुँच चुका हूँ शॉप में और पापा हो रहे हैं घर पर रेडी और अभी बज रहे हैं 8 और हम निकलेंगे यहाँ 10:30 बजे के आसपास। तो अगर मुझे अर्जेंट काम नहीं हो तो मैं जाता नहीं, बट अर्जेंट काम है इसलिए निकलना पड़ रहा है। तो फटाफट से हम छोटा मोटा काम कर लेते हैं और फिर जाएंगे और आपको मिलाएंगे अपनी बुआ से। तो बस पापा आ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं बुआ लोग के घर, तो चलते हैं। तो पापा ड्राइविंग कर रहे हैं, पापा ड्राइविंग सीट पे और मैं अपना खाना साथ ही ले आया था। तो अभी करता हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कैसी आती मैं जल्दी पूरी की पूरी। तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट था कंप्लीट और भाभी लोग मेरे साथ आए थे तो उनको भी कुछ काम था तो उन लोग का मैं ड्रॉप कर दिया है और अभी हम निकल रहे हैं और आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। दिल्ली की रोडों के बारे में आपको पता ही है कितना जाम रहता है यहाँ पर, तो वही हालात अभी भी है जबकि आज सैटरडे है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जाम लगा हुआ है और मास्क बोलते बोलते नीचे आ रहा है मेरा। तो मास्क करता हूँ ऊपर वरना चालान काटने वाले चालान काट देंगे मेरा। तो गाइस दिल्ली की सड़कों का हाल सबको मालूम ही है और चाहे जितना मर्जी यहाँ फ्लाईओवर्स बना लो, चाहे यहाँ पे कितना भी डेवलपमेंट कर लो, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है रोड के ऊपर कि पूछो ही मत। क्योंकि एक एक आदमी के ऊपर 4-4 गाड़ियाँ हैं, इसकी वजह से जब रोडों पर आती है तो बहुत ज़्यादा रश कर देती है, बहुत जाम कर देती है। तो वही हालात अभी भी हैं और इतनी ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है पूछो मत। तो जबकि आज सैटरडे है, वीकेंड है, उसके बावजूद भी इतना भीड़ हो रहा है। तो यहाँ से बोलो अगर 20 किलोमीटर के आसपास है और मेरे ख्याल से हमें 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाना चाहिए अगर हमको रश नहीं मिलेगा तो। पर दिल्ली की सड़कों का हाल कभी सुधरने वाला है नहीं, ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं और रोडें चौड़ी होती जा रही है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा जाम लगता है रोड में पूछो मत। तो गाइस अभी हमने कार में डलवाया था पेट्रोल और पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा ऊँचे हो चुके हैं, 105 रुपये से आज का रेट था। तो पता नहीं क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट जो पेट्रोल का रेट इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है, कुछ तो लगाम लगानी चाहिए क्योंकि आम आदमी की जेब पे इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए, कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए और इनके दामों को कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अभी हम आ चुके हैं सराय काले का, यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम तो, और हमारी अथॉरिटी भी यहीं पर आ चुकी है, पहले थी वो शेख सराय में है ना बा, पहले शेख सराय में थी और अब यहाँ पर आ चुकी है। तो हमें सारे काम अब अथॉरिटी के यहीं करवाने पड़ेंगे।
तो जो ये आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, ये है खेलगांव, और इसको डेवलप किया गया था कॉमनवेल्थ के टाइम पे, तो शीला दीक्षित गवर्नमेंट के टाइम पे, और ये सारे फ्लैट्स उसी समय बनाए गए थे। और खेलगांव के बगल में ही अक्षरधाम मंदिर, ये रहा अक्षरधाम मंदिर। तो कोई भी अगर यहाँ पर आना चाहे तो मेट्रो से आ सकता है, क्योंकि इसका प्रॉपर एक स्टेशन है खुद का। तो ये है अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली थोड़ा सा बाहर निकलने पर आपको रोडें खाली खाली मिलती है, तो यहाँ पर भी रोड अब बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो लगभग आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। और जो किसान आंदोलन है उसका असर वहाँ पर भी पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर किसान लोग बैठे हुए हैं रोडों पर। तो देखते हैं अभी कहीं जाम ना लगाओ वहाँ पर, या कहीं रूट डाइवर्ट ना किया हो। तो गाइस, ये था गाजीपुर का कूड़े का ढेर, जो कि जब हम यहाँ पर आए गए तब छोटा था, अब तो ये बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसको डंप करने के लिए भी कुछ रास्ते गवर्नमेंट देख नहीं रही है, बस यहाँ पर रोज डंप करते 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 ये इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है कूड़े का, और इसकी वजह से सारे के सारे एरिया में बदबू फैली रहती है। बट हम तो अभी यहाँ नहीं आ रहे, हम तो इससे आगे जाएंगे। बट ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ही स्टिंकिंग है, बदबू मार रहा है। तो यहाँ पर सब्जी मंडी भी है, यहाँ पर फल मंडी भी है, और यहाँ मुर्गा मंडी भी है। तो मुर्गा मंडी के सामने ही था कूड़े का ढेर गाजीपुर का। तो हमारी कार हो चुकी है पार्क। हम पहुँच चुके हैं बॉय घर में, और हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं। तो ये जिमी और टिमी, ये दोनों डॉगीज बॉय गेट बैठे रहते हैं, खुला ही हुआ है गेट। हाय गाइस, बहुत बैलक बच रहे। तो ये है हमारे संजू बाबू, और ये हमारी बहन सोनी। ये है मेरी बुआ का घर, और ये है हमारी छोटी सी बहन सोनी, और ये बना रही हमारे चाय। तो ये बन रही चाय अभी, तो चाय पियेंगे उसके बाद फिर खाना ही बन रहा है। तो हम जाएंगे 2:30 बजे के आसपास यहाँ से। तो बनाओ बेटा अच्छी चाय बना, ठीक है। बुआ ले रही साड़ियाँ, और उसने पूरा ठेला खरीद लिया साड़ियों को। अभी आ चुकी है हमारी चाय। हम चलते हैं अपनी बड़ी बुआ के यहाँ पर, और दोनों बुआ साथ साथ रहती है अगल बगल में। ताला लगा देंगे। तो ये हमारी बड़ी बुआ है, और ये हमारी बड़ी बुआ घर, और हम इसे मिलने आए थे, बट ये है बीमार अभी। ये मेरे भाई, ये हमारा जी बंदा का, ये है हमारा जी बंदा की चिंगुली है, चिंगुली। तो अभी हम चलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। तो अब निकलते हैं, जो हम काम करने के लिए आए थे उस काम के निकलते हैं। तो ये हमारी बुआ खाना बना रही है, फ़ोन में बात कर रही है। देखो थोड़ी देर पहले अपने फ़ोन पर छोड़ा था इसको, और हम वहाँ से आ चुके हैं, और अभी फ़ोन पर लगी हुई है। तो ये सोनी को जो आता है उसने उतने अपने हिसाब से कर लिया है। उसे खीरा काटना आता है, उसे नमक नहीं आता, उसके अलावा और कुछ नहीं आता, तो इसने बना दिया यहाँ पर। सोनी तो कब से मिली, मतलब कितने साल बाद मिली? 4 साल बाद मिली है हमको ये। तो आज भी ये उतनी दुबली पतली है, पता नहीं कैसे मेंटेन करती है अपने आपको। हमारे बस की तो नहीं है इतना, हम तो 4 साल में ऐसे आते हैं गोलगप्पे ऐसे। तो खाना बन चुका है, और अभी खाना अभी हम खाएंगे और फिर निकलेंगे। खाने ये बना है मिक्स दाल है ये, और चावल और सब्जी है। तो गैस, हमारी बुआ का हल्का सा भी कुछ अपने हाथ से नमक भी डाल दे पानी के ऊपर, तब भी बहुत टेस्टी बन जाता है। तो ये तो भी दाल है, तो ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। कि तो खाना होगा तो पीछे नीचे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो उससे घर हम डिलीवरी कर देंगे खाने की। तो अभी खाना खाते हैं, और फिर जाएंगे अपने जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, तो पहले खाना खाते हैं। तो गाइस, हमारा काम हो जाए कम्प्लीट, और हम निकल रहे हैं अब घर के लिए। फटाफट जाना, तो पहुंच जाएंगे फटाफट। बुआ को अलविदा कहना टाइम आ चुका है। बुआ तू सुन, बाय बुआ, बाय 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 बाय। सुन,
बाद में मिल लीजिए उन मिला फिर तो जा रही है हमारा सोनी के सोनी को ड्रॉप करना है रास्ते में तो इसको हम नोएडा के मोड़ पर ड्रॉप करेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे तो ये भैया 5:30 और 6 बजे शॉप भी खोलनी थी बट लगता नहीं है कम से कम 1.5 घंटा हमको चाहिए यहाँ से शॉप में पहुँचने के लिए तो कोशिश करेंगे कि 6:30 तक पहुँच जाए वहाँ पर 30 किलोमीटर और पीछे बैठी सोनी रानी इसको हमें ड्रॉप करना है नोएडा के मोड़ पे तो नोएडा के मोड़ पर इसको ड्रॉप करेंगे और आज का बर्थडे था और किसी को पता ही नहीं था घर वालों को नहीं पता था किसका बर्थडे आज तो हैप्पी बर्थडे अगेन बाय बाय सोनी और अच्छे से एंजॉय करना अपने बर्थडे बाय सूर्य अस्त होने वाला है और सूरज हमारे सामने है एकदम ठीक और जो विजिबिलिटी है वो इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में इतना ज़्यादा साफ और क्रिस्टल क्लियर एयर होती है जबकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है और जो सामने हमारे जो सूरज है वो भी साफ दिखाई नहीं दे रहा हमको तो कहने का मतलब ये है कि दिवाली आ रही है और जो गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज़ होती हैं अभी वो बोलेंगे कि पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में ये हो रहा है वो हो रहा है जबकि ये जो पोल्यूशन है ये दिवाली से पहले का पोल्यूशन है तो सिर्फ बम मत फोड़ो क्रैकर्स मत जलाओ ये सब कहेंगे जबकि पॉल्यूशन का रोकथाम एक टेम्प्रेरी किसी को थोप देना कि दिवाली के ऊपर थोप देना ये सब टेम्प्रेरी चीज़ें हैं अगर आपको पॉल्यूशन को फिक्स करना है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ प्रोटोकॉल्स लाने पड़ेंगे उनको फॉलो करवाना पड़ेगा लोगों से क्योंकि पॉल्यूशन एक दिन का नहीं है हर दिन का दिल्ली के अंदर तो अभी दिवाली आने वाली है तो लोग बोलेंगे लेकिन ये दिवाली से पहले का ही पॉल्यूशन है और पूरे का पूरा आसपास आप देखोगे तो यहाँ पर धुंध की चादर छा रखी है तो मैं दिखाता हूँ आपको ये रोड के बीच में बनाया गया पार्क जहाँ पर लोग घूमने के लिए आए हैं अपनी अच्छी हेल्थ के लिए बट इस ईयर में घूमेंगे तो इनका तो हेल्थ वैसे ही ख़राब हो जाएगा सांस की प्रॉब्लम और हो जाएगी तो ऐसी ईयर से बढ़िया तो घर में बैठना अच्छा है घर वापस और अभी बजे रात के 10:30 और हमारे घर में चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे चलता रहता है हमेशा और मैं फटाफट से अपने कपड़े चेंज करता हूँ और नहाता हूँ क्योंकि बहुत थकान हो गई मेरे को आज और फटाफट से मैं खाना खाऊंगा और फिर सोऊंगा और अगर गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे कल थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय